मैं मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए। मीडिया के सामने रो रही, बिलख रही, अपनी दास्तान बताने वाली ये है बिहार की रुचि। 26 दिन तक अपने पति रोशन के लिए अस्पताल की कुप्रथा से लड़ती रही, लेकिन फिर भी अपने पति को बचाना सकी। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा, क्या करते क्या करते, हमें भी तो चाहिए था। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को बाईपैप लगा हुआ था, उनको दो सिलेंडर से जाना था, एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए सर, मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। इस दौरान अस्पताल के स्टाफ ने उससे छेड़खानी भी की, पैसे को लेकर शोषण हुआ सुअलग। इन सब बातों को याद करके रुचि का रोना रुकता नहीं है। रुचि ने जो झेला वो भयावह है। उसने अपने पति की आंखों में ऑक्सीजन खत्म होने का भय देखा। अपनी पति की जिंदगी बचाने के लिए वो सब कुछ सहती रही, लेकिन आखिरकार उसके पति ने 26 दिन बाद दम तोड़ दिया। उसके बाद रुचि ने बयां की इस पूरे मामले की सच्चाई। यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। इस समय मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं भी देखने को मिल रही है। ऐसी ही ये कहानी है रुचि और रोशन की। भागलपुर के ग्लोबल हॉस्पिटल का कंपाउंडर ज्योति कुमार और राजेश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिलेश को गिरफ्तार करने की मांग उठाई जा रही है। खुद पप्पू यादव ने भी ये कहा है कि अगर स्पीड ट्रायल चलाकर फांसी नहीं दी गई तो मैं इन दोनों को सजा दिलवाऊंगा। अब आवाज उठ रही है, क्या बिहार की इस बहन को न्याय मिलेगा या फिर इसी तरीके से एक और तस्वीर सामने आएगी। हमारे जैसे जो लोग में पड़े हैं ना, जो ये छोड़ के भूल जाते हैं कि पेशेंट का ख्याल डॉक्टर्स रखेंगे, वो जाके अपने पेशेंट का ख्याल रखे, नहीं तो सब मर जाएंगे सर।